लड़ुआ एल्बम आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपनी दीक्षा की शादी का एल्बम, वेडिंग सेरेमनी एल्बम। तो चलिए ध्यान नहीं देस करूंगी ना, फिर वीडियो बड़ी बड़ी हो जाती है। बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। राधे राधे, जय माता दी। और आज मैं आप सबको दिखाऊंगी अपनी दीक्षा और अपने छोटे भाई गोपाल की शादी का एल्बम, जिसका आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। बहुत सारे कमेंट आते थे मेरे पास में कि आपकी भाभी बहुत प्यारी हैं, दोनों भाभियां बहुत अच्छी हैं और आपका मायका बहुत अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को मेरा मायका और मेरी भाभियाँ इतनी अच्छी लगी तो फिर आप लोगों को दिलचस्पी रही होगी ना कि उनकी शादी के एल्बम देखें, वेडिंग एल्बम देखें। तो वीडियो तो नहीं मैं बना पाई हूँ, मतलब उनका मैंने पेन ड्राइव वगैरह तो नहीं ले पाई, लेकिन मैंने एल्बम से ही वीडियो बना ली है। तो आज आप लोगों को दिखाती हूँ ये जो मतलब रस्में हैं, मतलब जितने भी एल्बम है मैं सारे शेयर करूँगी और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तक ही शेयर करूंगी। जितना मतलब मैंने कैप्चर किया है, जितने में आएगा सारा कुछ शेयर करूंगी। ये जब लड़का तैयार होता है, मतलब जब बारात के लिए जाना होता है ना, तो उससे पहले कुछ रीत रिवाज होते हैं निकरोसी के, और लड़के के जो कपड़े बदलवाए जाते हैं, जो भी मतलब रीति रिवाज होते, तो उन सारे रीति रिवाजों के हैं ये। और ये हम लोग अभी अपने घर पर हैं, बारात के लिए तैयारी हो रही है, बारात तो नहीं निकरोसी के लिए तैयारी हो रही है कि निकासी होनी है यहाँ से, क्योंकि ये जो शादी है ना, तो वो कानपुर से हुई थी। यहाँ पर अभी मेरे पूरे ख़ानदान परिवार के लोग हैं, मतलब मेरा जो मायके का ख़ानदान परिवार है और रिश्तेदार हैं, तो अभी यहाँ पे ये हम लोग अपने घर के बाहर हैं। वीडियो का व्यू देख के आप लोग समझ गए होंगे, जो मेरे फ्रंट लोकेशन है मेरे घर की। तो बैंड बाजे में तो डांस करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। मैंने और नेहा ने गजब की धूम मचाई थी शादी में, रिकॉर्ड तोड़ डांस किया था, कई घंटों तक लगातार हम लोगों ने डांस किया हुआ था। तो ये निकरोसी के लिए घर से निकलते हैं, पहले तो दूल्हे के कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं जीजा। सारे रीति रिवाज सबके अपने अपने घरों के अलग होते हैं और मिलते जुलते भी होते हैं, पर हमारे यहाँ जो जीजा होता है लड़के का, बहनोई होता है, वो चेंज करवाते हैं कपड़े, सारे कपड़े वही चेंज कराते हैं। तो सारा कुछ हो चुका है, सारे रीति रिवाज हो चुके हैं और ये निकरोसी से अपने घर से जा रहे हैं मंदिर की ओर, और मंदिर में भगवान जी के दर्शन करेंगे और वहाँ पर कुआं पूछने वाला सिस्टम होता है ना जो, तो वो भी होगा। और देखिए निकरोसी में हम लोग कितना डांस कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों के बाद भी मैंने, काफ़ी सालों के बाद मैंने ये एल्बम देखा है, क्योंकि 6 साल हो गए दीक्षा की शादी को। ये देखिए, जो लड़के की माँ होती है वो कुएं में एक पैर करके बैठती है। आजकल तो कुएं वगैरह नहीं मिलते हैं, पर कस्बों में आसानी से मिल जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि बाल्टी को ही कुआं बनाकर एक पैर उस पर रखवा देते हैं। ये देखिए मम्मी हैं, गोपाल हैं, और मम्मी मेरी रोने लगी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे पापा नहीं हैं, और ये कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कहते कहते मैं भी इमोशनल हो गई कि मतलब होता है कि पापा होते तो वो भी अपने बेटों की शादी मतलब अपनी आँखों से देखते। और मेरे पापा मेरी दोनों बहनों की शादी तो कर गए थे, मेरी शादी मेरे भाइयों ने ही की हुई है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। कहते कहते मेरी भी आवाज़ कांपने लगी, क्योंकि चलिए मैं आप लोगों के साथ में फिर कभी फुर्सत से सब कुछ शेयर करूंगी, आज आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए हम लोग ना निकरोसी वगैरह हो चुकी है, निकरोसी के बाद हम लोग निकल लिए थे कानपुर के लिए, ढोल नगाड़े और बारात की शुरुआत हो गई है, सभी लोगों ने होटल में जाके कपड़े वगैरह चेंज किए। अच्छा, इस एल्बम में ना काफ़ी लोग हैं जिनकी कोई उम्र भी नहीं थी और वो अब हमारे बीच में नहीं है, मेरे चाचा लोग, कई लोग हैं, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगी। और देखिए कितनी धूम लगी हुई है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मेरी नेहा तो बहुत ज़्यादा खुश थी, सभी लोग खुश होते हैं। अब नेहा का इकलौता देवर है तो भाई खुशी तो होती ही है। ये यहाँ के डेकोरेशन की पिक्स हैं, जो मतलब वेडिंग होटल में जो वेडिंग वाला रहता है ना, तो उसमें जो डेकोरेशन है ना, सारे डेकोरेशन की पिक्स वगैरह हैं। और उस टाइम पर ना बहुत अच्छी शादी की थी मेरे भाई ने, और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बड़े भाई ने, बहुत ज़्यादा थक गया था। और जब मेरे गोविंद की शादी थी ना, तो मेरे छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि दो ही भाई हैं मेरे, तो अब छोटे भाई के ऊपर सारा भार था, और छोटे भाई की शादी में बड़े भाई के ऊपर सारा भार था। भाइयों के दोस्त हैं, और ये इनका मतलब स्टेज जहाँ जमाल पड़ेगी ना, तो ये देखिए।
और सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शादी हुई थी, आप लोग देख के ही समझ सकते हैं। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए, और मैं आप लोगों को अपनी एक एक रिलेटिव से मिलवाती चलती हूँ। दीक्षा के मैके वाले भी हैं, ये होटल है, और काफ़ी बड़े मतलब ग्राउंड में शादी हुई थी दीक्षा की। बहुत मतलब एक एक काम मेरे भाई ने चुन चुन के कराया हुआ था। ये मेरी चाची के बेटे हैं, ये मेरे चाचा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बीच वाले मेरे चाचा थे, और ये मेरे चाचा की बेटी है यहाँ पर। ये मतलब मेरे भाई के फ्रेंड सर्कल में है सब लोग, और मम्मी हैं, गोपाल हैं, भाइयों के दोस्त लोग हैं। ये मेरी बड़ी बहन है, गोपाल की जो बगल में खड़ी है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये देखिए सबसे बड़ी वाली हैं। और यहाँ पर आप लोग मोस्टली जितने भी लोग बाकी रह गए थे उन सभी लोगों से भी मिल लेंगे। अच्छा, मैंने भी ना फर्स्ट टाइम इस तरह से वेडिंग पर्पस से ये वीडियो शूट किया हुआ है, तो कुछ भी कमी लगे आप लोगों को तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए सारे रीति रिवाज हो रहे हैं। जब बारात पहुंचती है ना होटल में, तो द्वारचार होता है, तो द्वारचार की रस्म मामा या साला करता है, तो दीक्षा के भाई ने ये रस्म की हुई है, ये देखिए। और हमारे पंडित जी, शिवम पंडित जी हमारे, नेहा बहुत प्यारी लग रही थी गोपाल की शादी में। एक तो नेहा की आंखें बहुत प्यारी हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। चाची लोग हैं, चाचा लोग हैं, बड़ी दीदी हैं, बड़ी दीदी के बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी। देखिए नेहा कितनी प्यारी लग रही है। और वैसे भी ना मेरी नेहा के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये मेरे चाचा लोग हैं, और दीक्षा के लिए पालकी तैयार करवाई गई थी, पालकी में होके सवार चली रे। नेहा की मम्मी हैं, और उस समय आद्या 1 साल की थी, सिर्फ 1 साल की थी। यहाँ पर मैं हूँ, मेरे बुआ के बेटे, जस्ट मेरे बगल में जो खड़ा है ना, ये मेरा भाई, ये भी अब नहीं रहा बुआ का बेटा। तो काफ़ी लोग हैं, मतलब ना मैं बड़ी खुशी से एल्बम शेयर कर रही थी, और जब देखना शुरू किया ना, तो काफ़ी लोग थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। दीक्षा कितनी प्यारी लग रही है। दीक्षा का सारा सारा कुछ कानपुर से ही हुआ था। यहाँ पर बुआ है मेरी, मैं हूँ, ये दीक्षा की मम्मी है, बड़ी बुआ है, दीदी है, दीक्षा की भाभी, और मेरे हस्बैंड नेहा, भाइयों के दोस्त, और ये लड्डू गोपाल। दीक्षा जब जमाल के लिए जा रही थी ना, तो अपने साथ लेके आई थी मैके से, बड़ा प्यारा श्रृंगार किया हुआ है, और यही लड्डू गोपाल मंदिर में रखे हैं। शादी के 2 एल्बम बने हुए थे। फर्स्ट एल्बम तो मैंने निक्रोसी से लेके बारात तक का आप लोगों को दिखा दिया। अब बारात से जयमाल का आप लोगों को मैं सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। कुछ इसमें शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो का भी ध्यान रखना है, टाइमिंग का भी, क्योंकि टाइमिंग फिर लेंथी हो जाएगी काफ़ी, और जो भी रह जाएगा ना, तो वो मैं सेकेंड पार्ट में शेयर कर दूंगी उसी में। अब दीक्षा मेरी वीडियो देखेगी। दीक्षा की शादी कानपुर से हुई थी ना, इनके मायके से हुई थी ना, हम लोग बारात लेके गए थे, हम लोग अपने अपने इलाके में बारात लेके आए थे, इनके मायके नहीं गए थे बारात लेके। हमारी दीक्षा रानी, मेरा भाई, बैठ करके देखिए कितनी प्यारी लग रही है दीक्षा। और जब शादी को ना 2-3 साल हो जाते हैं ना, तो फिर इन एल्बम की इतनी वैल्यू नहीं रहती है जितना शुरुआत में देखने का लगता है। और ये मैं हूँ, बहुत मोटी लग रही हूँ मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बड़े बहनोई हैं, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड नेहा है, मम्मी है, बड़ी बहन की बेटी है, यही मेरी पूरी फैमिली है मैके की, बस इसमें दीदी लोग नहीं दिख रही हैं। ये लड़के वालों की तरफ से, जब नहीं, आजकल तो नए नए सिस्टम चल गए हैं, तो जब स्टेज में जाना होता है ना, तो यहाँ से दूल्हा लेके हम लोग जा रहे थे, दुल्हन उधर से पालकी में आई थी, वो भी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। क्यों दीक्षा, इसका वीडियो होगा शादी का, पेन ड्राइव है देना मुझे, अपने में कन्वर्ट करा लूंगी। और ये दीक्षा के महके वाले हैं, ये दीक्षा की भाभी हैं, भाई हस्बैंड वाइफ हैं ये। और ये मेरी, हाँ ये मेरी दूसरे नंबर वाली बहन है,
और सबसे बड़ी वाली बहन नहीं, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब थी तो वो अलग बैठी हुई थी। मेरे चाचा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मम्मी हैं, चाची की बेटी है, चाचा हैं। ये वाले जो चाचा है ना, इस एल्बम में काफी लोग ऐसे हैं ना जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये चाचा है ना तीसरे नंबर वाले, तो ये इनकी फरवरी के टाइम इनकी डेथ हो गई थी चाचा की। दीदी की बेटियां हैं, दोनों बहनों की बेटियां हैं। नेहा है, ये देखिए, और दीक्षा के दोनों भाई हैं। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। दीक्षा की बहन है, ये कौन है पता नहीं। ये दीक्षा की भाभी और इनकी दीक्षा की मम्मी है। ये मतलब ये मैके का पूरा है। और पालकी में बैठने आ रही दीक्षा है। ये पालकी में बैठ चुकी है दीक्षा। ये देखिए पालकी में, ओके, ये मैं डांस कर रही हूँ। वैसे तो लड़की वाले लेके आते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने भाई की शादी में इतना डांस किया था, हमने और नेहा ने रिकॉर्ड तो डांस किया सच में। 3 बजे तक लगातार डांस किया हम लोगों ने। ये देखिए बहुत डांस किया था हम लोगों ने। अति ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मेरी मम्मा। तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम्हारी मम्मा है। ये कौन है थी? माई। ये देखिए नेहा और मेरा डांस हो रहा है लगातार, और मेरे हस्बैंड मेरे पर गुस्सा आ रहे हैं, उसने भी कैप्चर हो गया। ये कह रहे हैं कि लड़की वालों की तरफ से क्यों डांस कर रही हो। हमने कहा लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, पर लेके तो जाना है ना बहू को, आना तो मेरे ही घर में। ये देखिए कैसे गुस्सा आ रहे हैं। अति नीचे उतरो, मेरा भाई। और दीक्षा ने अपनी जयमाल पे ना लड्डू गोपाल को लेके गई थी। ये लड्डू गोपाल ये देखिए, यही वाले लड्डू गोपाल मंदिर में भी रखे हैं मम्मी मेरी। देखिए दीक्षा की शादी में कितना डांस हुआ था, कितनी भीड़ लगी हुई है। ये तुम्हारी है दीक्षा की शादी की है? तुम्हारी वाली एल्बम में नहीं थी? मेरी एल्बम है, ससुराल में, यहाँ है कानपुर में। दीक्षा की शादी के वीडियो तो थे मेरे पास बहुत सारे, लेकिन उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे नहीं थी। हो गई शादी, भुगा भी बन गई मैं। अति की भी तो है, अति की भी, अति का भी है, खाटू श्याम बाबा का बना है, पर पता नहीं आया नहीं अभी तक। और ये कमल के फूल खिल गए थे जब इनकी जयमाल पड़ी थी। तब देखो गोपाल को, अब देखो, हाँ तब बच्चा जैसा लग रहा था, अब देख लो। कभी तो दीक्षा फ्लैट हो गई थी हमारे भाई पे। भीड़ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी थी। चिल्ला कैसे रहे? कानपुर के गेस्ट हाउस से ही शादी हुई थी। हाँ, अरे गोपाल की शादी में बहुत बहुत हम लोगों ने मस्ती करी, बहुत ज्यादा। बस 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 बुआ करे तुम नगर बाहुबली और तुम्हारी है, ये भी कर रही है। ओहो अति वीडियो शूट कर रही है। ये देखो कैमरा भी ऑन करे, क्या कर रही हो लाड़ो? जस्ट डांस। दीक्षा ने डांस भी किया था, ये देखिए डांस कर रही है। पालकी में होके सवार चली रहे है, और मुंह दिखाई में किया था मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। अबे सब याद है, मुंह दिखाई में मम्मी ने तैयार किया था। मुंह दिखाई की होएगी फोटो? फोटो ये उल्टी फैली गई है, कुर्सी बैठना नहीं आता था इसको। नहीं ऐसे ही बैठा लग गया था। देखो सास भी इनकी मौज ले रही है दीक्षा की। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी बुआ लोगों से भी मिलवाती हूँ, क्योंकि अभी तक नहीं मिलवाया था। ये मेरे मामा है, मेरे एक ही मामा है, मम्मी मामा। ये मेरी बुआ है और ये बुआ का बेटा है। ये मेरी दूसरे नंबर वाली बुआ है, चाचा जो अब नहीं रहे, चाचा चाची।
ये दादी है, मतलब मेरी दादी की देवरानी है। और इसके बाद में जो भी पिक्स रह गई हैं मांग भराई से लेके विदाई तक, शादी संपन्न होने तक की, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगी। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। कैसा लगा लाइक कर दीजिए।